This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Frespresso Coffee Shop, Newson Fabrics Cloth Store and by Medina Chicken World. हेलो एवरीबॉडी, दिस तार अब्बास और आप सब देख रहे हैं गोहैश। गोहैश में स्पेशल रिपोर्ट में हम ला रहे हैं आपके लिए गुलबगा में चलती हुई वायरल सच। क्या है ये वायरल सच? कुछ दिनों से व्हाट्सएप पे चल रहे फोटोज पर जहां पर ये बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोग हैं जो घर में घुस जा रहे हैं और लोगों पर वार कर रहे हैं और बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। क्या है ये वायरल सच? कहाँ के हैं ये लोग? क्या चाहते हैं? क्या ये न्यूज सही है या गलत? आइए फैसला करते हैं। जी हाँ, बात करें आजकल जो व्हाट्सएप पे जो न्यूज़ चल रहे हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई 3-4 फोटोज़ आ रहे हैं, फोटोज़ के नीचे जो कमेंट आ रहा है कि भाई 400-500 लोग निकल चुके हैं बच्चों को किडनैप करने के लिए, बच्चों को अगवा करने के लिए निकल चुके हैं, घर में घुस के वो वार कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वही फोटोज़ और दो फोटो से ऐड होकर आते हैं कि भाई सेडम में ये वाक़ हो चुका है। कभी सेडम में ये वाक़ हो रहा है, कभी जीवरगी में ये वाक़ हो रहा है, कभी गुलबगा के मिजमा नगर में ये वाक़ हो रहा है, तो कभी हेरापुर में वाक़ हो रहा है। और हद तो ये होगी कि हागरगाँव में जहाँ पर हमारे करीबी पहचान के लोग हैं वहाँ पर भी हादसा हुआ है। क्या ये हादसा सच में सही है या गलत? जहां पर हम देखें कि मिसबा नगर के एक बूढ़ा सा आदमी है, उसे खंभे को बंद कर उसे मार रहे हैं। क्या वही आदमी अगवा कर रहा था? 6 से 7 लोग थे, उसमें से एक बूढ़े आदमी पकड़कर बाकी के 6 लोग भाग चुके हैं और ये केस ग्रामीण पुलिस में रजिस्टर हो चुका है। हमने जब स्टेशन बाजार के सर्कल इंस्पेक्टर से बात की तो उन्होंने सारे बातों को फेक बताया, और हमने जब ग्रामीण पुलिस में जाकर इंक्वायरी की तो वहां पर भी डिपार्टमेंट ने कहा कि ये सारी बातें गलत हैं और वो भी बहुत सारे परेशान हैं। और जब उस आदमी के बारे में मालूम किया गया तो वो आदमी मेंटल आदमी है जो कि पागल है, परेशान है, और पता नहीं किसी ना किसी बहाने से वो अंदर आ गया, कुछ करने गया, उसकी वजह से वो उतने मार खाया। तो इसको जानने के लिए हम गए स्टेशन बाजार के सर्कल इंस्पेक्टर साहब के पास। शकील अहमद साहब ने इस सब का खुलासा किया। आइए देखते हैं शकील अहमद साहब क्या कहना चाह रहे हैं। जो भी अफवाह निकली है ये सब झूठ है। आज हम भी सब तरफ जो भी स्लम एरिया में जाके हमें भी सब जाके पब्लिक को अवेयरनेस का एक प्रोग्राम भी कर रहे हैं और अनाउंस भी कर रहे हैं कि जो भी अफवाह निकल रहे हैं ये सिर्फ व्हाट्सएप में झूठी अफवाह है, कोई तो भी करके चुप बैठ के मजा ले रहा है। तो आज तक ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एक भी ऐसा केस नहीं हुआ कि एक बच्चे का किडनैप हुआ, फलाना बच्चे का मर्डर हुआ, आज तक शायद कर्नाटक में भी नहीं हुआ बोल के ऐसा मालूम पड़े। तो ये सब अफवाह है, व्हाट्सएप की अफवाह है कि लोग घाबरे पड़ रहे हैं। रात में वो घूम रहे, ये घूम रहे, तो चोर तो रहते थोड़े चोर, वो घूम रहे, वो लोगों के दिमाग में क्या आ रहा, वो पागल है। एग्जाम्पल, एक अशोक नगर लिमिट्स में है, एक 60 साल का आदमी था बूढ़ा, वो उसको खुद को चलने को नहीं आ रहा, वो काम बच्चे को किडनैप कर, तो उसको पकड़ के पब्लिक में हमें वेरीफाई करें तो वो मेंटल है और भिखारी है। तो बात इसी, और एक हमारे एक टारफल एरिया में भी एक आदमी को पकड़े थे, वो दीवाना था, तो उसके अंदर एक नंबर भी मिला, हमसे बात करें उसके घर पर, वो मेंटल है, घर से भाग किया करके मैंने, तो फिर हम उसको खुद उसको ट्रेन में टिकट काट के बढ़ाते हैं। तो ऐसा मेंटल भी है थोड़े, एक भिखारी भी है, वो गलती से मिल के लोगों के दिमाग में व्हाट्सएप से नज़र में शायद होएंगे रहेंगा सब क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसा कोई भी अफवाह, सब झूठ है। आज तक कोई भी एक केस नहीं हुआ काम पर, सब झूठ है। पब्लिक को हम एक हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से एक उनको बोलने का यही चाहते हैं कि ये सब झूठ है। व्हाट्सएप पे कोई ध्यान मत देना, सब आराम से रहना। जहाँ तक हमारे सब SP साहब ने भी पूरे पेपर प्रेस मीट भी किया कि व्हाट्सएप पे ध्यान मत दो, सब झूठी अफवाहें हैं। कहाँ पर भी एक भी केस नहीं हुआ, बच्चे का किडनैप हुआ, बच्चे का ये मर्डर हुआ, टोटली फेक है। तो ये थे शकील अहमद साहब जो कि स्टेशन बाजार के सर्कल हैं। ऐसा ही एक और वाकया पेश आया मिजगोरी में जहाँ पर 2 औरतों को मारा गया बिना ये जाने कि वो क्या कर रहे थे। बाद में जब उनसे पूछा गया कि वो किस लिए आए तो वो मांगने के लिए थे। बट नॉर्मली बात है, रमज़ान का महीना चल रहा है, लोग मांगने कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम है कि हमें थोड़ा बहुत अलर्ट रहना है। पहले लोगों को जानिए कि वो चाहते क्या हैं। अगर आपको लगता है कि वो कुछ आपसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं तब एक्शन लें। अगर वो कहीं ना कहीं मांगने आ रहे हैं या ऐसे घर में आ गए हैं तो बिना कुछ करे बस उन्हें पकड़े रहिए, कानून को अपने हाथ में ना लें, पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करें और वो तुरंत आपका आकर आपकी मदद करेगी। पुलिस डिपार्टमेंट भी कल से ही अवेयरनेस कैंपेन शुरू करने वाली है। जहाँ डिपार्टमेंट भी काफ़ी परेशान है कि इस तरह की वायरल जब न्यूज़ होती है तो सबसे बड़ा असर डिपार्टमेंट पे होता है। तो कल से डिपार्टमेंट निकलेगा अवेयरनेस करने के लिए। तब तक आप देखते रहिए गोहैश। अगर आपके एरिया में ऐसी कोई न्यूज़ आती है या ऐसा कोई आपको समझ में आता है, कोई डाउट होता है, तो हमारे चैनल पर आप मैसेज करें और हम आप तक आएंगे आपकी रिपोर्ट लेने के लिए और जानने के लिए क्या वायरल सच है या नहीं। देखते रहिए गोहैश।